अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान के बाद गुरु को मिलता है भगवान का दर्जा, लेकिन अगर कोई कलियुगी गुरु अपने ही छात्रों को बनाए कुकर्म का शिकार तो माँ बाप ही नहीं समाज के हर आदमी को आएगा गुस्सा। समाज में बेटियों के साथ साथ बेटे भी नहीं है सुरक्षित। पानीपत में कुकर्मी गुरु ने दो मासूमों को बनाया कुकर्म का शिकार, उससे भी घिनौना अपराध आया है सामने। पीड़ित मासूम है लाइलाज बीमारी की ओर अग्रसर और भी दर्जनों बच्चों को देता है ट्यूशन, और भी बच्चों के शिकार होने की आशंका है। पीड़ित बच्चों के नाना ने सभी बच्चों की जाँच के लिए स्कूल शासन से जांच की अपील भी की है। जी हाँ, मामला है पानीपत का, जहाँ एक सीनियर अध्यापक ने दो नन्हे से बच्चों के जीवन को कर दिया तबाह और दिया HCV रोग। अब इस नन्हे बच्चे का नाना दूसरे बच्चों को कर रहा है जागरूक कि वह भी करवाएं अपना टेस्ट। कलियुगी अध्यापक ने घिनौना कृत्य कर मासूम बच्चों के जीवन पर लगाया ग्रहण। यह कलियुगी अध्यापक ना जाने कितने और मासूम बच्चों के जीवन से खेला होगा। इसका खुलासा तो बच्चों की काउंसलिंग व टेस्ट के बाद ही हो पाएगा। इस कलियुगी अध्यापक ने नन्हे से बच्चे के साथ शारीरिक शोषण तो किया ही और साथ उसको ऐसा रोग दिया है कि वह सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। यह नन्हा सा बच्चा HCV रोग से ग्रस्त है। नाबालिग बच्चों में यह रोग पाया जाना सबको अचंभित करने वाला है। वही माँ व बच्चे के नाना के आंसू गवाही दे रहे हैं कि आज समाज में किस तरह की गंदगी फैल गई है कि आज छोटे छोटे मासूम बच्चों के जिस्मों से भी खेला जा रहा है। और खेलने वाला और कोई नहीं, वह अध्यापक है जो शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। अनिल सर के नाम से मशहूर एक अंग्रेजी का अध्यापक, जिसके पास लगभग 30 से 40 बच्चे अंग्रेजी सीखने आते थे और बाल विकास स्कूल में 6वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा को राजनीतिक शास्त्र पढ़ाता था। उसने अपनी हवस मिटाने के लिए दो सगे नन्हे व मासूम नाबालिग बच्चों के साथ 6 महीने तक करता रहा शारीरिक शोषण। उसके द्वारा किए गए इस अमानवीय कृत्य से बच्चे को HCV हेपेटाइटिस सी वायरस का रोग हो गया है। इस 14 साल के बच्चे में ऐसे रोग का होना बड़ा ही अचंभित करने वाला है। और रोग केवल 3 कारणों से होता है, ब्लड प्रोडक्ट, इंजेक्शन व HIV पीड़ित से सेक्स से। वही बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत मल्होत्रा ने बताया कि 14 साल का लड़का तेज बुखार और उल्टी के चलते जिसकी माँ उसे दिखाने आई थी, लेकिन जब इसका चेकअप हुआ तो उसको पीलिया भी था। और पीलिया टेस्ट में 3 प्रकार का पीलिया होता है, ABC। इस बच्चे में ए भी नहीं था, बी भी नहीं था, तो सी वायरस मिला, जो कि ब्लड प्रोडक्ट इंजेक्शन या फिर सेक्स के द्वारा ही होता है। ब्लड प्रोडक्ट इंजेक्शन पाए जाने पर माँ ने बच्चे से घर जाकर जब प्यार से पूछा तो बच्चे ने सारी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि इसके साथ सेक्स के संबंध बनाए गए हैं। ऐसे वायरस का पहले इलाज नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 साल से इसका इलाज है। वह मुश्किल भी है, हर महीने 8 से 10 हजार रुपए का खर्च आता है। 2 साल तक का इलाज चलता है। अगर 2 साल के इलाज से भी ठीक नहीं होता है तो 5 साल का इलाज चलता है। शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मानसिक आघात पहुंचा है, यह सारी जिंदगी ठीक नहीं हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है। वही स्कूल की चेयरपर्सन वसुंधरा ने कहा कि हमारे स्कूल में यह घटना नहीं घटी है, हम बच्चों के माता पिता को बताएंगे। अगर बच्चों के माता पिता टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वे करवा सकते हैं, हम दबाव नहीं डालेंगे। मेरे पास एक 14 साल का लड़का आया था, उसके मम्मी लेके आई थी कि उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हैं और बुखार है और बच्चे के पेट में दर्द है। जब मैंने बच्चे को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसको पीलिया भी है, तो हमने उसका टेस्ट कराया तो उसमें पीलिया पॉजिटिव आया था। पीलिया 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, B और C। ए तो खाने से फैलता है, बी और सी ब्लड के प्रोडक्ट्स या फिर इंजेक्शंस या फिर सेक्स से फैलता है। तो बी भी नेगेटिव था, ए भी नेगेटिव था, सी पॉजिटिव था। हेपेटाइटिस सी का 14 साल के लड़के में पॉजिटिव होना बड़ी अचंभे की बात है। या तो बच्चे को कोई ब्लड चढ़ाओ या कोई इंजेक्शन लगाओ अभी रिसेंटली, या फिर सेक्सुअल एक्सपोजर हो। तो उसमें ब्लड और इंजेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं थी, तो सेक्स के बारे में मैंने 14 साल के लड़के से खुद बातों बातों में पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ मुझे जवाब ठीक से दिया नहीं। मैंने उसकी मम्मी को आगाह किया कि ज़रा आप थोड़ा नज़र रखिए कि क्या है। और हैरानी की बात यह है कि माँ ने अगले दिन सुबह बताया कि जो उसके यहाँ टीचर था सामने, वो बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था, ऐसा माँ ने कहा। और फिर माँ ने ये भी कहा कि टीचर जो है उसने ये बात मान ली है। तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उन्होंने बच्चे का MLR कराना चाहा, क्योंकि बच्चे के लैटिन वाले एरिया की जांच होनी ज़रूरी है अगर वो इस तरह से उसको यूज़ कर रहा था उसका टीचर। सेक्स से फैलने वाली बीमारियां
जो हैं उनमें दो तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक तो बैक्टीरियल होती हैं, कुछ वायरल होती हैं। बैक्टीरियल का तो इलाज है जैसे सिफिलिस, गनोरिया, इन सब की दवाइयाँ से ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो वायरल बीमारियाँ होती हैं वो मुश्किल होती है ठीक करनी। इसमें हर्पीस आता है, HIV आता है, HCV आता है और HBV आता है। तो HBV और HIV का इलाज बहुत मुश्किल है। HIV का तो अभी तक कोई इलाज मिला नहीं है। हेपेटाइटिस बी वायरस भी छोड़ता नहीं है शरीर को और लिवर में बैठ जाता है और धीरे धीरे कैंसर या लिवर को ख़राब कर देता है। लेकिन HCV वायरस, जिसका पहले इलाज नहीं था, उसका इलाज अब संभव है, ये ठीक हो सकता है। HCV भी सेक्स से फैलता है। ये एक ऐसी वायरल प्रॉब्लम है जिसका इलाज है तो मुश्किल और महंगा इलाज है, लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी का कोई टीका भी नहीं आता और ये बीमारी भी सेक्स से फैलती है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये शरीर से निकालना थोड़ा कठिन काम होता है। इसकी दवाइयाँ नई हैं, महंगी हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है और टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे। आपको 1.5-2 साल लगते हैं ठीक होने में और जब तक नॉर्मल नहीं होता दवाई चलती रहती, कई कई बार 5 साल भी लग जाते हैं। क्या देखिए, शारीरिक रूप से तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन जो बच्चे को मानसिक क्षति पहुँची है वो बहुत ज़्यादा क्रिपलिंग है। क्योंकि बच्चा ये नॉर्मल, इसकी लाइफ, सेक्स लाइफ नॉर्मल होगी और ऐसा बहुत मुश्किल होता है इसको अचीव करना। हम ये करवाएंगे, मैंने आपको पहले भी यही कहा कि मुझे थोड़ा सा, जब इतनी बड़ी बात पता लगी है, लेट मी गैदर माय थॉट्स एंड थिंक अबाउट व्हाट पॉजिटिव एक्शन वी कैन टेक। लेट अस थिंक, वी आर ऑल सिटिंग एंड डिस्कसिंग दिस, वी आर आल्सो इन द एजुकेशन फील्ड, वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे। आप क्या कहते हो, ये तो नेबर था, आजकल घर वाले भी बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये इंग्लिश के टीचर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते थे, अबाउट से 6th 7th 11th को भी पढ़ाते थे, 9th 10th को भी पढ़ाते थे। अब टाइम टेबल देख के पता लगेगा, मतलब ही वॉज वन ऑफ द सीनियर टीचर्स। हम पेरेंट्स को तो ज़रूर सजेस्ट करेंगे, बाकी हम फोर्सफुली तो किसी का टेस्ट नहीं करा सकते ना आजकल। अगर जो कोई पेरेंट नहीं कराना चाहता तो आजकल हम पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते। वी विल काउंसिल देम, वी विल टेल देम। स्कूल की ड्यूटी तो बनती है हर एक किस्म का इनोकुलेशन देने की भी, लेकिन कई पेरेंट्स कहते हैं हम अपने आप कराएंगे, आपको इसमें कराने की ज़रूरत नहीं। क्या स्कूल में कुछ नहीं हुआ है? हुआ है उनके घर पे, और उनके नेबर, क्या नेक्स्ट डोर नेबर जो कि जिसके घर में ये बच्चे रोज़ खेलते थे, उनको भी नहीं पता था, तो स्कूल को तो कहाँ से पता होएगा? खून की जाँच कराई जाए तो उन्हों का पता लगे किसी दे एड्स की कोई बीमारी या कोई ऐसे शुकराणु तो नहीं है कि जिंदे नाल उनका इलाज हो सके। इस टाइम बाद बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। असी रिक्वेस्ट करना है कि उन्होंने माता पिता को कह के उन्होंने खून की जाँच कराई जाए, चाहते किसी होर की जिंदगी खराब हो गए। पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।